वेलकम टू माई न्यू रेसिपी। अज एक आसान चॉकलेट केक की रेसिपी जिहड़ी कि बिना ओवन ते बिना अंडे तो बनती है। जे तुसी भी एक आसान चॉकलेट केक की रेसिपी लभ रहे हो तो जिहड़ी कि बिना अंडे ते बिना ओवन तो बने तो तुसी इह केक की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करो। ये बनाने विच जिन्नी आसान है खाण विच उन्नी ही जबरदस्त है। चलो हुण इसकी तैयारी करते हैं। चॉकलेट केक बनाने लिए मैं इत्थे लिते हैं 200 ग्राम चॉकलेट बिस्कुट। तुसी कोई भी चॉकलेट बिस्कुट ले सकते हो। 200 ग्राम न्यूटेला, 30 ग्राम पाउडर शुगर, 100 ग्राम अखरोट। इत्थे तुसी कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो अपनी पसंद के अनुसार। मैं इत्थे अखरोट लिते हैं। 80 ग्राम मक्खन। इत्थे असी 400 ग्राम मास्कापोने लवांगे जिन्हों कि मैं 2 कटोरियां 200 ग्राम लिता है क्योंकि इत्थे सानू 2 फ्लेवर्स चाहिए हैं तो इस करके मैं इन्होंने अलग अलग 200 ग्राम ले लिता है। मैं ए वाली मास्कापोने यूज की है। जे तुहाडी कंट्री च अवेलेबल ना होवे तां असीं उत्थे क्रीमी चीज़ भी ले सकते हैं। उस तो बाद असीं इत्थे फ्रैश क्रीम लीती है 200 ग्राम। ते हुण असीं अग्गों दी तैयारी करदे हां। असी सारे बिस्कुटां नूं पहला छोटा छोटा कट के एक मिक्सर विच ग्राइंड करांगे ते इहदा पाउडर बनावांगे सारे बिस्कुटां दा। बिस्कुटां दा पाउडर देखो बिल्कुल बरीक बन के तैयार हो चुका है। इस तो बाद सानू अखरोट चाहिए है। असीं अखरोटां नूं बरीक बरीक कट्टांगे या फिर मैं ग्राइंड कर लवांगी इस नूं। इस नूं असीं अपने बिस्कुटां दे पाउडर विच मिक्स करांगे ते बाकी दे अखरोट भी ग्राइंड करांगे। साढ़े सारे अखरोट हो चुके हैं पर असीं सारे इस मिक्सचर च नहीं पावांगे क्योंकि थोड़े जिहे अखरोट सानू बाद चो डेकोरेशन लई भी चाहिए है। इस करके अद्धे अखरोटां नूं असीं साइड ते रख लवांगे। इस तो बाद सानू मक्खन की जरूरत है। इस नूं मैं पिंगला लवांगी। हम इन्हां नूं आपस विच मिक्स करांगे ते इस विच असीं सारा मक्खन पा दवांगे। इत्थे मैं एक 7 इंच ते 18 सेंटीमीटर की एक बेकिंग टिन ले लीती है। उस विच असीं मिक्सचर पावांगे। हुण ये सारा मिक्सचर असीं इस टिन विच सैट करांगे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੀਚਲੇ ਤਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਗਲਾਸ ਦਾ ਤਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀਚੋਂ। ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਲਈ ਅਸੀਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸਕਾਪੋਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ੀ ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂਟੇਲਾ ਆਪਸ ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ एक मिनट लिए ही बीट करांगे ताकि दोनों चीज़ें आपस में चंगी तरह मिक्स हो जाए। जदों साडा यह मिक्सचर तैयार हो जाए तो असीं फ्रिज विचों अपनी केक वाला मिक्सचर निकाल लांगे। हुण इस मिक्सचर च असीं यह सारा मटीरियल फैला देवांगे। सारिया चीज़ा असीं फ्रिज चो निकाल के लवांगे। इस मिक्सचर नूं असीं चंगी तरह केक दे बेस विच फैलावांगे। ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰੀਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕਰੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਲਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਦਵਾਂਗੀ। हम इन्ह दोनों को ब्लेंड करांगे। साडी क्रीम बन के तैयार हो चुकी है। इसकी पहचान यह है कि जो असीं इसनूं पुट्ठा भी कर दिता है तो यह बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब है बिल्कुल तैयार है। इस तो बाद मास्कापोने नूं भी असीं एक सेकंड लई आपस विच मिक्स करांगे। हुण इस चीज़ क्रीम नूं भी असीं इस दे विच मिक्स करांगे। एक सेकंड लिए असी इस विच ब्लेंडर फिर फेरांगे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਕ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਨਿਕਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਕੇਕ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਖਰੋਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਾਕਲੇਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जे तुहानू पसंद आई है तो तुसी इदां दियां होर रेसिपियां देखना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो तो बैल आइकॉन भी जरूर दबाओ ताकि तुहानू नवियां रेसिपियां मिलन तो कोई भी रेसिपी मिस ना कर सको। थैंक यू फॉर वाचिंग माई चैनल। बाय बाय।